मेरा भी सब कुछ तुम्हें से वाबस्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। उधार सकते हो, तुम्हारे बाप का बस चले तो सारी जिंदगी कबूतर ही उड़ा। तो भी पता है और मुझे भी पता है कि ये घर किस तरह चल रहा है। आपका बस चलता तो हमें दो वक्त की रोटी भी। सुवेश, अब आप लोगों ने सब कुछ प्लान कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने तो बड़े वजीफे किए थे बेटा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम टीवी पे देखे जाने वाला जबरदस्त ड्रामा सीरियल बिक रहे हैं। हम के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, रूमी की माँ रूमी से कहती है, बेटा दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। जैसे कि तुम अगर बुरे लोग देखना चाहो तो तुम अपनी नंद सहरिश को देख लो, और अच्छे लोग देखना चाहो तो सारम के वालिद साहब सद्दीकी साहब को देख लो, जिनका तुम्हारे से कोई लेना देना भी नहीं था। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस लेकर दिलवा भी दिया। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। जवाब में रूमी कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो भी सारम और उनकी फैमिली की ही वजह से हुआ, तो उनका फर्ज बनता था कि मेरा बच्चा भी मुझे वापस ला कर दें। इस पर उन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं किया। जवाब में रूमी की माँ रूमी से कहती है, बेटा मुझे तो लगता है सारम बहुत अच्छा लड़का है, तुम सारम के बारे में सोचो और उसके बाद मुझे बताओ। इस तरह अकेली जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगा करें। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।